हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या विवेक बिंद्रा स्कैम की जांच करेगी सीबीआई? क्या है सुप्रीम कोर्ट का नोटिस? ओहो, मुझे लगा था ये बात खत्म हो गई, ऐसी ठप हो गई कि बीच में इनकी तो बिल्कुल ही वीडियो खत्म, कुछ भी नहीं हो गया एकदम से। पहले इतना किसी कुछ का कुछ नहीं आ रहा था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें लग रहा था कि ऐसी आपसी दो यूट्यूबर्स की फाइट हुई थी, उन्होंने जितने भी अपने व्यूज को इंक्रीज करना था कर लिया, काम खत्म, बैक टू से नहीं हुआ। वेरी गुड। अब लग रहा है कि सीबीआई हो सकता है, अब देखते हैं कितना है कि भाई सीबीआई क्या इसमें इन्वॉल्व होगी। होना तो चाहिए कि अगर कोई किसी का फायदा उठा रहा है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। दोनों साइड का देख के जो गलत कर रहा है उस पर तो एक्शन होना ही चाहिए। इन्होंने तो प्रोडक्ट बेचा था ना, मिस्टर बिंद्रा ने तो एक प्रोडक्ट बेचा था, उसमें ऐसी कुछ गारंटीज दी थी कि शायद आपको बिजनेस करना आ जाएगा, ये करना आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से वहाँ प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि लोग अटेंड करके आए थे और उन्होंने कहा था उसके बाद हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हम तो इतने अमीर बने ही नहीं, हमारा तो ये सक्सेस हुआ ही नहीं। तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी, देखते हैं अभी क्या सोचा। और जैसे किसी ने कहा था कुछ दिनों में एमबीए हो जाता है, तो वही प्रॉब्लम थी, कहीं के एडवर्टाइज किया हुआ था, तो आई थिंक देवर कपल ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, कई चीजें थी जो हमको भी देख के लग रहा था यार इतने सालों पढ़ते हैं या इतनी जल्दी एमबीए कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो मतलब सीबीआई तक पहुंच गया है केस, क्या उनको मिला होगा कुछ एविडेंस कि रॉन्ग डूइंग का, तभी सीबीआई आएगी या मे बी नहीं। नोटिस है, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस गया कोई, सुप्रीम कोर्ट भी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक ऐसे मामले पर चर्चा करने के लिए जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरा है। जब हम खुद सोशल मीडिया पर है तो ऐसी स्थिति में इस सुर्खी से ही एक जुड़ा हुआ अपडेट है, और अपडेट है विवेक बिंद्रा के बड़े बिजनेस से जुड़ा हुआ। क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई और उस याचिका के अंदर अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के साथ में सीबीआई से और एसआईटी से जांच कराने की डिमांड की है। क्या है पूरा मामला, आज के सेशन में समझने का प्रयास हो गया। साथियों आपको याद होगा कि हमने आज से 2 महीने पहले 14 दिसंबर को सबसे पहली बार ये मामला कवर किया था, जब संदीप माहेश्वरी जो कि एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा वो भी एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, इन्हों के बीच में कुछ तीखा टिप्पणी होना शुरू हुई थी। सबसे पहले संदीप माहेश्वरी जी ने अपने द्वारा स्कैम एक्सपोज्ड करके, बिग स्कैम एक्सपोज्ड करके एक वीडियो किया था। जब वो वीडियो किया उसके बाद में फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि किस प्रकार से विवेक बिंद्रा अपने बड़ा बिजनेस के नाम पर लोगों के साथ MLM के अंदर, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर स्कैम कर रहे हैं। इस बारे में जब उन्होंने जानकारी दी तो उनके बाद बैक टू बैक इन्होंने एक दूसरे के आमने सामने वीडियोस बनाए और वीडियोस क्रमागत रूप से आते चले गए। ये मामला काफी ज्यादा मार्केट के अंदर डिस्कस भी हुआ, हमने भी सेशंस के अंदर डिस्कस किया और ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियां पाया। अलग अलग जगह पर इसके बारे में डिस्कशन हुआ कि संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा क्या हुआ है, संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा को एक्सपोज कर दिया है और मल्टी लेवल बिजनेस मार्केटिंग का एक ऐसा मतलब लोग दिशा ढूंढने लगे कि अल्टीमेटली क्या है, ऐसी कमी क्या हो रही है, विवेक बिंद्रा क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से संदीप माहेश्वरी MLM को गलत बता रहे हैं, वो सारी बातें निकल करके यहाँ आने लगी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने अपने सोशल मीडिया के साथ साथ आपको एक्स मीडिया पर भी यानी ट्विटर पर भी इसके बारे में डिटेल से हमेशा इंफॉर्मेशन अपडेट के रूप में दी है। लेकिन जब इस घटना को थोड़ा आगे बढ़ाया गया तो विवेक बिंद्रा जी खुद निकल कर उन्होंने इस विषय पर वीडियो बनाया। उन्होंने अपना वीडियो बनाया अपने 10 डे एमबीए के डे 1 में और उन्होंने इस कंट्रोवर्सी का जवाब दिया। बस यहीं से ही सारा की सारा जो गेम है ना, आज की सुप्रीम कोर्ट की जो कहानी है वो यहीं से आती है। ये जो 18 दिसंबर 2023 है, ये तारीख को बस एक बार आप देख लीजिए, 18 दिसंबर 2023 और यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं 10 डे एमबीए डे 1, इसमें विवेक बिंद्रा जी आते हैं और विवेक बिंद्रा जी आकर के संदीप माहेश्वरी जी के द्वारा लगाए गए जो आरोप हैं उनका जवाब देने लगते हैं। जवाब देते हुए वो अपना जो एमबीए प्रोग्राम था उसके बारे में भी आगे चर्चा करते हैं। बस यहां से ही कहानी के अंदर ट्विस्ट आने शुरू होते हैं। ट्विस्ट क्या है, अब आप यहां पर हेडिंग देखते हैं। हेडिंग क्या है, सीबीआई टू प्रोब विवेक बिंद्रा स्कैम, सुप्रीम कोर्ट इशू नोटिस, व्हाट इज द केस। अगर आप यहां पर यह हेडलाइन देख रहे हैं तो इस हेडलाइन से ये प्रतीत हो रहा है कि सीबीआई प्रोब की जांच कर सकती है। प्ली बिफोर सुप्रीम कोर्ट सीक सीबीआई ईडी प्रोब इनटू एलिज्ड फ्रॉड।
अलग अलग प्रकार से अभी की हेडलाइंस बनी हुई है, इसी कारण से आप आज के इस सेशन को सुन रहे हैं, ठीक है। हो क्या रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर जो विवेक बिंद्रा है उनकी कंपनी है बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, उन पर धोखाधड़ी वाली गतिविधियों का आरोप लगाने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार सीबीआई ईडी और 13 अन्य राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। मतलब ये हुआ कि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई उसकी एवज में इतने सारे लोगों से जवाब मांगा गया है, सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र सरकार से, तमाम लोगों से जवाब मांगा गया है कि तुमने क्या एक्शन लिया, ये सब जब चल रहा था क्या नहीं किया गया, जवाब तलब किया गया है। तो अब आपको ये समझना होगा कि अल्टीमेटली क्या संदीप माहेश्वरी खुद जा करके ही वहां पर इस तरह से मतलब कोई केस कर दिए हैं या कोई और मामला भी है। तो अब हम और मामले की तरफ बढ़ते हैं। आप है विवेक बिंद्रा, मामला 11 दिसंबर से शुरू हुआ, विवेक बिंद्रा का जो मामला 11 दिसंबर को शुरू हुआ संदीप माहेश्वरी के साथ, उसमें विवेक बिंद्रा जी के बारे में संदीप माहेश्वरी जी ने जो जानकारी दी उसमें एक तीसरा व्यक्ति कूद पड़ा, और जो तीसरा व्यक्ति कूदाना बस यही सारा मामला जो है कौन है तीसरा व्यक्ति, मैं तो नहीं पता। ये जिन व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं इनका नाम है महेश्वर पैरी। महेश्वर पैरी ने इस पूरे मामले को एक अलग ही लेवल दिला दिया। महेश्वर पैरी कौन है, अब मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। कोचिंग, आप में से जो मेरी उम्र के लोग होंगे या मुझसे बड़े होंगे वो संभवतः इन्हें जानते होंगे। अरिंदम नाम से एक व्यक्ति हुआ करते थे जो IIPM नाम से एक कॉलेज चलाया करते थे, अरिंदम चौधरी, IIPM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पता नहीं प्लानिंग मैनेजमेंट के नाम से कॉलेज चला करता था। उनके विज्ञापन में शाहरुख खान धंधा बना के बैठे हैं। IIPM न्यू दिल्ली कैंपस का प्रचार इस तरह से हुआ करता था कि ये नंबर वन है ग्लोबल एक्सपोजर में इंडिया के अंदर, नंबर फाइव है इंडिया के अंदर ओवरऑल। इन अरिंदम चौधरी के बारे में जिसने सबके सामने सबसे पहली बार खुल के इनकी पोल खोली थी उसका नाम था महेश्वर पैरी। महेश्वर पैरी की पहचान हालांकि एक और तरीके से होती है, और वो क्या है, कैरियर 360 नाम से जो वेबसाइट है वो महेश्वर पैरी द्वारा ही रन की जाती है, जिसमें विद्यार्थियों को उनके कॉलेज प्लेसमेंट्स, उनके लिए जो आवश्यक कार्य हैं उनकी जानकारी दी जाती है। तो अरिंदम चौधरी के बारे में सारा फर्जीवाड़ा जो बाहर निकालने वाले व्यक्ति थे वो महेश्वर पैरी ही थे। तो इस कहानी को फिर से शुरू करता हूँ। महेश्वर पैरी वो व्यक्ति जिन्होंने IIPM और अरिंदम चौधरी की पोल खोली थी, बिकॉज क्योंकि वो कैरियर 369 से खुद की एक वेबसाइट चलाते हैं जहाँ वो बच्चों को सही में सजेस्ट करते हैं कौन सा कॉलेज सही है, कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने जब ये जानकारी पहले बार अरिंदम चौधरी के बारे में निकली कि ये जानकारी फर्जी दे रहा है, ऐसा तो कोई कॉलेज ही यूरोप में रजिस्टर्ड नहीं है, इन्होंने जब जानकारी रखी तो फाइनली सरकार ने इनके कॉलेज को ही बंद कर दिया था IIPM को, ठीक है। ऐसे ही इन्हें जब ये जानकारी पता चली कि ये 10-day MBA लेकर आए हैं तो इन्होंने कहा, तो हैरान होते थे जब वीडियो देखते थे जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, कॉलेज के द्वारा दिया जाता है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये ऐसा कोर्स कोई व्यक्ति कैसे ला सकता है, यानी MBA 10 दिन के अंदर, तो ये निश्चित ही कोई बड़ा फ्रॉड है। यहां से इनके दिमाग के अंदर ये बात निकल के आना शुरू हुआ। सबके आनी चाहिए, मैं तो हैरान बात कर रहा हूं। मैं फिर से बता दूं महेश्वर पैरी के बारे में, जैसे मैंने आपसे कहा कि 18 दिसंबर को 10-day MBA का पहला लेक्चर था, उसके बाद में 20 दिसंबर को महेश्वर पैरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर, लिंक्डइन पर इस पूरे मामले की पोल खोल कार्यक्रम शुरू किया। और उसमें क्या था, उसमें इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने ट्वीट्स करने शुरू किए और बताया कि ये किस प्रकार से 10-day MBA अपने आप में एक फ्रॉड है। ध्यान से सुनिएगा, विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी के बीच जो चल रहा था वो मामला उनके MLM के बारे में था, वो कुछ और ही था। MLM कैसे गलत है, कैसे या फिर वो मल्टी लेवल मार्केटिंग में किस प्रकार से पॉन्जी स्कीम बना, वो पिरामिड स्कीम थी, वो भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। MBA प्रोग्राम को चैलेंज कर दिया, और जब ये चैलेंज होने लगा तो धीरे धीरे इन्होंने बहुत सी चीजें विवेक बिंद्रा जी के बारे में खोल के निकाल दी, इंक्लूडिंग बिंद्रा जी ने कहां से PhD की है, तो बोले उस कॉलेज की तो वेबसाइट ही ओपन नहीं होती है, श्रीलंका में से कहीं से करके आ गए हैं, उन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया, एक एक करके इन्होंने सारी बातें लिखना शुरू कर दिया। और जो विवेक बिंद्रा के कार्यक्रम के थ्रू जो IBC बनते थे, यानी इनका एक प्रोग्राम था जिसमें ये बिजनेस कंसल्टेंट टाइप का कोई व्यक्ति क्रिएट करते थे, कुछ इस प्रकार का प्लानिंग होता था विवेक बिंद्रा जी का कि इनसे पहले मार्केटिंग करना सीखो, बिजनेस करना सीखो,
बिजनेस करना सिखाने के लिए क्या करते थे, ये अपना एक कोर्स बेचते थे। कोर्स की कीमत लगभग 50,000 रुपये की। आओ अब आपको हम बिजनेस करना सिखाएंगे। बिंद्रा जी बिजनेस करना सिखाते थे 50,000 रुपये में, और फिर व्यक्ति को कहते थे कि आप अपना पैसा पूरा रिफंड पा जाएंगे, क्योंकि आपको मिलते ही नौकरी मिलेगी जैसे ही आप ये करके निकलेंगे 50,000 का कोर्स, आपको 1,00,000 रुपये से 20,00,000 रुपये तक की नौकरी मिल जाएगी। अब नौकरी मिल जाएगी, इस लालच में लोग इनको ज्वाइन करते थे। ज्वाइन करते थे तो बिंद्रा जी ने खूब पैसा कमाया इससे। बिंद्रा जी ने खूब अच्छे से, मतलब आप यहाँ देखिए, 1,00,000 से लेके 20,00,000 रुपये पर मंथ तक की आपको नौकरी मिल सकती है, ऐसा विवेक बिंद्रा जी का कहना था। और 50,000 रुपये का कोर्स बेच करके लोगों को नौकरी दिलाने का ये वादा करते थे कि इनकी कंपनी ऐसा करती है। अब जब इनकी कंपनी ऐसा करती है तो लोगों ने कोर्स लिया। जब कोर्स ले लिया तो फिर साहब पैसा कहाँ मिलेगा? बहुत सारे लोग तो नौकरी के लिए गए हैं, देश में चाहे इतने लोग बेरोजगार हैं तो नौकरी के लिए लोग गए। तो इन्होंने उनको कहा कि अब आप मेरा ही कोर्स किसी और को बेच दो, अगर आप कोर्स बेचोगे तो आपको उसमें से कमीशन मिलेगा। यानी नौकरी कहाँ गई? पहले तो कोर्स पढ़ा, कोर्स बना करके पिरामिड स्कीम, कि आप लखपति कैसे बने ये बताया, फिर आपको लखपति बनना है तो अब क्या करें, इस कोर्स को किसी और को बिकवाओ, यानी अब आप खुद एक बिजनेस कंसल्टेंट बन जाओ, इस कोर्स को ही बेचो। अगर तुम्हें कहीं और जॉब नहीं मिल रही है तो समझो कि यहीं पर, यहीं से आपको जॉब मिल जाएगी। विनीत डोंगा जी कनाडा से डॉलर्स भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने ही स्तर पर लोगों को अपना ही कोर्स बेचने के लिए अपना ही एडवाइजर रख लिया। टिपिकल। तो एक प्रकार से इनके पड़े हुए लोग ही इनका कोर्स बेच रहे हैं और खुद का पैसा निकाल फंसी जा रहे हैं। तो वो एक चेन सिस्टम चल गया, चेन सिस्टम मल्टी लेवल। तो अब इन्होंने कमीशन कैसे सेट कर दिया कि तुम मेरा कोर्स बेचो, यानी प्रोडक्ट क्या हो गया, कोर्स ही प्रोडक्ट हो गया, नौकरी किसी को नहीं मिल रही। फिर उससे कहा कि तेरे पैसे फंस गए तो दो को और पकड़ के ला, तेरे पैसे निकल जाएंगे। इस प्रकार से मल्टी लेवल एक सिस्टम चलता चला गया। महेश्वर पैरी जी ने इनकी पूरी जो बैलेंस शीट है वो खंगाली, निकाला कि इन्होंने करोड़ों रुपया कमाया। महेश्वर पैरी जी ने लिखा कि 227 करोड़ रुपया बिंद्रा जी की जो कंपनी है उसने, हाउएवर द नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फीस इज 227 करोड़, जो कि इनके टोटल रेवेन्यू का 74%, इतना पैसा इनकी कंपनी ने बनाया। अब ऐसी स्थिति में बैलेंस शीट भी पब्लिक डोमेन में आ गई कि साहब इन्होंने करोड़ों रुपया बनाया है। अब करोड़ों रुपया बनाया है तो ये महेश्वर पैरी जी की जो रिसर्च थी, फिर इन्होंने एक काम और करना शुरू किया, और वो क्या था, जो लोग भी इस पूरे कार्यक्रम के अंदर अफेक्टेड थे उनको बुलाना शुरू किया कि भाई जो जो इस तरीके से फंसे हुए लोग हैं वो आइए मैं आपके लिए कुछ ढंग का प्लान करता हूँ। इस बीच में इनके द्वारा इस मामले को उठाए जाने से जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, उन्होंने 10 MBA जो क्रैश कोर्स है उसे फेक करार दे दिया। अपने द्वारा स्टेटमेंट जारी कर दिया। तो यहाँ पर महेश्वर पैरी जी का जो एक प्रयास था 10 MBA को लेकर के, वो सक्सेसफुल हुआ। मतलब विवेक बिंद्रा चर्चा में आए मतलब संदीप माहेश्वरी के विवाद के बाद में, लेकिन 10 MBA के कारण महेश्वर पैरी जी की गिरफ्त में आ गए। पैरी जी ने इनकी पूरी कुंडली खंगाल करके पब्लिक करी। वो इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि उस पर संज्ञान भी लिया गया, और AICTE ने तुरंत उनके मतलब जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनकी वजह से फिर ये फैसला भी लिया कि गलत है ये। फिर महेश्वर पैरी जी ने लोगों को फरवरी के अंदर इकट्ठा किया कि भाई आओ जो इस MLM और पोंजी स्कीम के अंदर फंस गए हैं वो आइए। तो 46 विक्टिम दिल्ली के अंदर इकट्ठे हुए। ये वो लोग थे जो कि पीड़ित थे इस पूरे पोंजी स्कीम से। पोंजी स्कीम क्यों? क्योंकि आप किसी को माल नहीं बेच रहे हो, पहले मैंने आपको बेवकूफ बनाया है तो अब आप आगे को बेवकूफ बनाओ, अपने पैसे निकाल ले जाओ। तो आप एक विशेष साइकिल में फंसते चले जा रहे हैं। तो उस प्रकार से यूएसए में किसने मारा होगा, आगे बढ़ाया, ठीक है। एक ऐसा ही इसमें एक वीडियो बाहर आया जिसमें कि एक बच्चा है जो कैंसर पीड़ित है, ब्लड कैंसर पीड़ित है, उसकी माताजी जो है वो कह रही है कि बेटा मेरा बच्चा भी ऐसे ही इस पोंजी स्कीम का शिकार हो गया, मैं उसका पैसा लेने आई हूँ। तो बहुत सारे पीड़ित और प्रताड़ित लोग धीरे धीरे जुटने लगे। तो फिर वकील भी आने लगे। तो ऐसी स्थिति में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं पैरी जी के पूरे अकाउंट से हमने आपके सामने लेकर आए हैं। इसी बीच में फिर यहाँ पर एक
आपको वकील साहब दिख रहे हैं जिन्होंने 800 से अधिक लोगों को कॉन्फ्रेंस कॉल पर इकट्ठा किया जो कि किसी ना किसी प्रकार से अफेक्टेड थे। तो ये जो मामला है 9 फरवरी का आप देख रहे हैं, संभवतः इसी तरह के मामले पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में बता रहा उसका मतलब यूएस के हिसाब से वो क्लास एक्शन लॉसूट है। जो मैं मामले जिनके बारे में ये कहा गया कि एफआईआर पुलिस वाले दर्ज ही नहीं कर रहे हैं, उन तमाम मामलों में से कोई ना कोई मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा होगा। जानकारी निकलकर जिनके बारे में आ रही है कुछ इस प्रकार की एफआईआर भी दर्ज हुई 8 फरवरी के दिन, जिसमें कि कल अलग अलग धाराओं के तहत BadaBusiness.com पर और विवेक बिंद्रा पर केस करने के कितना टाइम लग गया ये सब करने में। क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हुए भी गए थे। लीड मिली वो ये सुर्खी मिली, यानी कि पीछे तक हमने जो ट्रेल्स तलाशी जहां से कि ये मामला उठ करके कोर्ट तक पहुंचा, उनमें ये हमको पीछे का बैकलॉग मिला कि यहां से यहां तक का सफर हुआ है। ऐसी स्थिति में अब जो जांच के लिए बात आती है वो ये है, उसके जस्ट बाद 9 फरवरी के बाद आज की जो सुर्खी है कि सीबीआई इस मामले में इस स्कैम की जांच कर सकती है, जल्दी करे कर सकती है, करनी चाहिए, नोटिस किया है। ऐसी स्थिति में आज का जो सेशन है वो उसी के आगे अपडेटेड में है कि जस्टिस एम एन सुंदरेश और एस वी एन भट्टी की पीठ ने केंद्र सरकार के अलावा सीबीआई दिल्ली हरियाणा हिमाचल गुजरात झारखंड समेत कई राज्यों को नोटिस दिया है और कहा है कि सभी पक्ष 6 सप्ताह के भीतर मामले में अपना जवाब दाखिल करें। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार के साथ साथ सीबीआई से भी कहा गया है कि इस मामले में 6 सप्ताह के अंदर आप अपना जवाब सबमिट करें। इसका मतलब ये हुआ कि सीबीआई ने डेफिनेट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसे डेफिनेटली एक इकोनॉमिक ऑफेंस की तरह ट्रीट किया है, और अगर ऐसा है तो सीबीआई जब इस मामले में जांच करेगी, इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या भाई 6 हफ्ते के अंदर सीबीआई को कहा गया है कि आप इस मामले में जांच करके दीजिए, सीबीआई को एबीसीडी भी नहीं पता है कि चल क्या रहा है। तो ऐसी स्थिति में जांच होना स्वतः लाजमी हो जाता है कि मामले की जांच करेगी सीबीआई कि चल क्या रहा है जरा बताइए। ठीक है, कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने यह आदेश शुभम चौधरी के साथ में जो 21 अन्य युवा हैं उनको विकास नागवान जी जैसे जो अन्य अधिवक्ता हैं उन्होंने याचिका दाखिल की थी, और उसमें सैकड़ों युवा फिर इस पाठ्यक्रम के जो शिकार थे उन सबकी तरफ से ये याचिका दाखिल की थी। इसमें एसआईटी की भी मांग की गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एक जांच कमेटी बनाई जाए जो इस पूरे मसले की जांच करे कि क्या अल्टीमेटली इसके अंदर संभव है। ठीक है, देखो देख के बहुत दुख होता है, इससे पता चलता है कि जो आम पब्लिक है वो इतनी मतलब सीधी इनोसेंट है कि उसको इतनी आराम से बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्योंकि हमें याद है जब हम इनकी वीडियो करते थे तो ये बीच में बहुत देखो हमारे लिए भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्ट्राइक मिल जाती है, कई बार हम ऐसी वीडियोस करते हैं जो उसमें अग्री नहीं करते और इतनी तकलीफ हो रही है तो उसको देख के पर हम बोल नहीं पाते क्योंकि भैया वो स्ट्राइक दे देगा, और होता है हमारे साथ कितनी बार स्ट्राइक इनडायरेक्टली कितनी बार 2 साल का कोर्स होता है और आपको प्रॉपर यूनिवर्सिटी से करना चाहिए। पीछे की वीडियोस देखोगे आपको पता चलेगा कि हिंट दिए जा रहे थे कि जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो संभल जाएं, ऐसी चीजों में मत फंसें। तो वो हिंट हम देने की कोशिश करते हैं, बड़ी सटल वे से कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो मैसेज जो है लोगों तक पहुंच जाए। और उससे हमें बड़ा सरप्राइज लगता था कि ये देखकर लोग जा क्यों नहीं रहे हैं, वो इस बारे में कोई बोल क्यों नहीं रहा है। अब जाके जा यूएस में काफी क्राइम हुई थी, कुछ लोगों ने शोज बना दिए थे जिन्होंने डॉक्टर अपने आप लगा लिया था जबकि डॉक्टर नहीं थे, कहीं छोटा मोटा कहीं से ऑनरी बन गए ऐसा फालतू काम करके डॉक्टर लगा लिया। उसके बाद जो है वो इंसान जो है साइकोलॉजिस्ट भी नहीं था फिर भी वो करता था काम। उसके बाद आप देखेंगे पोंजी स्कीम्स हुई थी, पिरामिड स्कीम्स हुई थी, कितने लोग पकड़े गए थे। तो ऐसा लग रहा है किसी इंसान ने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया और सोचा अच्छा इंडिया के लिए बड़ी नई बातें हैं तो इंडिया के लिए मैं कर लेता हूँ। फ्रॉम नोबडी टू करोड़पति बनने का कितना अच्छा तरीका पकड़ा हुआ था। और ये भी सुनने को पता चल रहा है कि पीएचडी वीएचडी कहाँ से किए भगवान जाने, वो है ही नहीं, उसका कुछ भी नहीं, और अपने आप को इतना महान बना के कर दिया। देखो पहले तो ही वाज मेकिंग वीडियोस, वीडियोस वर गुड, वो ठीक था कि आप उस टाइप की वीडियोस बना रहे हो, पर उसके बाद जब वो धीरे धीरे उस टाइप की मैं एजुकेशन देता हूँ, मैं तुमको बिजनेस के लिए भी रेडी कर दूंगा, वहां जाते वो जब उस डायरेक्शन में गया है ना बंदा, तब लगा कि भैया कुछ गड़बड़ हो रही है। कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट मतलब स्टार्ट करे, ऐसे ही बोलना कि मैं तो कोचिंग दे दूंगा, कर दे सर कोचिंग, बिजनेस कोचिंग दे सकता है इंसान, मगर उसे एमबीए नहीं बोल सकता, 10 दिन का एमबीए, 10 day MBA नहीं बोल सकता। आप बोल सकते हैं हम बिजनेस कोचिंग देते हैं, बिजनेस कोचिंग लीजिए उसे को हेल्प, मगर एमबीए यू कांट। अरे कोई भी समझदार होगा, कोई बच्चा भी स्टूडेंट होगा कि भैया मुझे कॉलेज में तो 2 साल 3 साल लग रहे एमबीए के लिए, यहाँ ये 10 दिन में मेरे को कौन सा एमबीए करा देगा, वहीं पे सब किसी को समझ में आ जाना चाहिए। एक्चुअली लोगों को फंसाता बोल के जॉब मिलेगी, कईयों को जॉब लेके वो फंसा दिया, किसी को 10 दिन
दिन में तुमको कर देंगे, हर जगह पे लफड़े लफड़े थे और इतने टाइम से चल रहा है और लोगों को पता ही नहीं चल रहा, लोग उसमें फंसते जा रहे हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज किसी को नहीं पता चल रहा, बंदा यूट्यूब में इतना पॉपुलर हुआ हुआ है वो धड़ाके से एड्स दे रहा है और किसी के नजर में ही नहीं आ रहा, दैट इज द शॉकिंग पार्ट, मेरे को तो वो शॉकिंग पार्ट लगता है। चलिए जो भी है, नहीं और साथ में अच्छा की हो रहा है और ऐसे बहुत यूट्यूबर्स हैं जो शो करते हैं कि हम बड़ी अच्छी जगह से पढ़े हैं, बड़े इंटेलिजेंट है, और जब उनके जाके देखो भैया तूने तो कहीं छोटी मोटी जगह से भी नहीं पढ़ाई की हुई, बात क्या कर रहे हैं, कितना लोग मतलब यूट्यूब में या किसी का कहना कि मेरा सिलेक्शन हो गया था बट मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया, तो तुम्हारी गलती है, यू कांट से कि यू आर नॉट देयर, जब तक तुमने अगर तुम उस यूनिवर्सिटी में या उस जगह से पढ़े नहीं हो तो वो तुम उसके बाद ऊपर भार फेंको, मतलब तुम बोलो मैं क्वालिफाई हो गया था किसी में मगर तुम ये नहीं बोल सकते उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले सकते, मैं उसमें गया नहीं, मैं किसी और में चला गया मगर कुछ जिसका नाम ही नहीं है, वो सब सोच ये लोगों में समझ जब तक नहीं आएगी तब तक फायदा उठाते रहेंगे लोग उनका और खुद ऐसे करोड़पति बनते रहेंगे, पर देखते अब आगे क्या होता है, अब फंसे हैं, अब देखिएगा दूध का दूध पानी का पानी होगा, पर इंसाफ तो मिलना चाहिए क्योंकि ये एक मैसेज होगा बाकी लोगों को भी जो इस टाइप के काम कर रहे हैं कि भैया फंसोगे, तुम फंसोगे, अभी नहीं फंसे कल फंसोगे, कल नहीं फंसे तो अगले दिन फंसोगे, पर फंसोगे जरूर। चलो अभिषेक अरना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।